अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बकरीद स्पेशल रेसिपी में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा शादियों वाला मटन कोरमा की रेसिपी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे दानेदार कोरमा को हम कैसे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके बना सकते हैं। तो मटन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल और ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज। यहाँ पे मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया था और अब हम इसे ऑयल में ऐड करके अच्छे तरीके से फ्राई। यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई करने के लिए तकरीबन 100 ग्राम ऑयल लिया है, ये रिफाइंड ऑयल है। इसमें अच्छे तरीके से हमें प्याज को फ्राई करना है। सबसे ध्यान देने वाली बात प्याज को फ्राई करते वक्त है कि आपको प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ऐसा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो उसी वक्त आप इसे निकाल दें, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी इसका कलर चेंज होता है और इसकी कुकिंग प्रोसेस इसे ऑयल से बाहर निकालने के बाद भी होती है। इसके बाद हम लेंगे मटन। यहाँ पे मैंने 1/2 kg बोन्स और फैट के साथ मटन लिया है। इसे हमने जिस कढ़ाई में प्याज को फ्राई किया था उसी में ही फ्राई करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ऐड करेंगे 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़पत्ते। इन सारी चीज़ों को हम ऑयल में क्रैकल कर लेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे मटन के पीसेस। इन सारे पीसेस को हम इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से चला लेंगे। हमें इसे तब तक चलाना है जब तक मटन का ऑफ वाइट कलर ना हो जाए। और मटन को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे हम ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हमारा लहसुन अदरक जो है उसका कच्चापन दूर हो जाए और उसकी जो इस कच्ची स्मेल है वो दूर हो जाए, वो अच्छे से भुन जाए। इसे अच्छे तरीके से भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे भुके हुए मसाले, जिनमें है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी है और बाकी सारे मसाले नॉर्मल क्वांटिटी में, और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। यहाँ पर मैं तकरीबन 100 ग्राम के लगभग दही इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये प्लेन दही है, ना खट्टा दही है ना मीठा दही है, नॉर्मल दही है ये। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि इसमें अच्छा खासा पानी आ गया, दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो इसमें फिर हम ऐड करेंगे थोड़ा और पानी ताकि हमारा मटन अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ पर मैं 2 कप के लगभग पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे ढक करके इसी कढ़ाई में कुक करने वाली हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा कम पानी भी ऐड कर सकते हैं। और जब तक हमारा मटन गल रहा है तब तक हम प्रिपेयर करेंगे कोरमा मसाला। उसके लिए यहाँ पे मैंने ली है 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 जायफल का टुकड़ा, आधी जावित्री की फूल, 4 छोटी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े। और इन्हें हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि इनमें जितना भी मॉइस्चर है सब ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे। यहाँ देख सकते हैं पाउडर बन के रेडी है। इसके बाद हमने जो प्याज फ्राई किया था हम उसे भी मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्सी में डाल करके आप इसे पीस लें। यहाँ पे मैं इसे दरदरा ही पीसूंगी। आप देखेंगे दरदरा पीसने से आपके कोरमे का टेक्सचर बहुत ही दानेदार बनेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से दानेदार पिसाया है। आप चाहे तो फाइन पेस्ट बना सकते हैं पर इससे कोरमा बहुत ही दानेदार बनता है। इसके बाद हम लेंगे 20 से 25 काजू के टुकड़े, उसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध और इसे भी मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हमें अभी मटन कोरमे में यूज़ आएगी, तो सारी प्रिपरेशन हम अभी कर लेते हैं और तब तक हमारा मटन भी गल जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा मटन तकरीबन गल ही चुका है। इसे कुक करते हुए 40 से 50 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था। और प्याज को ऐड करते ही आप देखेंगे कि आपके कोरमे का कलर किस तरीके से चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए ये किस तरीके से इसने एक प्यारा सा कलर ले लिया है। और इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोरमा मसाला। जितना हमने कोरमा मसाला बनाया था उसका आधा हम ऐड करेंगे। वो जितनी क्वांटिटी में बना था वो 1 kg मटन के लिए सफिशिएंट था। ये 1/2 kg मटन है इसलिए हम आधा ही इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। और चलाने के बाद हमने जो काजू का पेस्ट बनाया था उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और जब आप इसे ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि कोरमे की ग्रेवी में एक रिचनेस आ गई है जो बहुत ही कोरमे को रिच लुक दे रही है। इसी तरीके का कोरमा आप शादी वगैरह में खाते होंगे
ये बहुत ही इजी है बनाना, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे केवड़ा एक्सट्रैक्ट, आप चाहे तो केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मटन कोरमा बनके तैयार है, आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो देख सकते हैं आप, हमारा शादियों वाला मटन कोरमा बनके तैयार है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था, आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। यकीन माने आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और इसे बार बार बनाना चाहेंगे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यहाँ पे आप देखिए मटन भी अच्छे तरीके से गल चुका है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।